एवरीवन, आई एम खुशी पटेल एंड बैक विद द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं, मेरी बिटिया, मेरी पूरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं फिर एक चटपटा सा खाना नहीं बोलेंगे, छोटा मोटा डिश ही बोल देंगे, जो कि आज मैं बना रही हूँ सोया मंचूरियन। और ये रहा सोया चंक्स, मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और मैं डालूंगी उसमें शिमला मिर्च, टोमेटो सॉस। अगर आपके पास मंचूरियन मसाला नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं मैगी मसाला। इससे पहले मैंने सोया मंचूरियन बनाया था तो मैंने उसमें मैगी मसाला ही यूज़ किया था। तो अभी सब प्रिपेयर करूंगी, प्याज वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैगी मसाला के साथ बनाया था, इस बार मैं मंचूरियन मसाले के साथ बनाऊंगी। सो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए कि कैसे और कितना अच्छा बनता है ये मंचूरियन मसाला से। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एकदम बाहर की तरह जो हम लोग खाते हैं बाहर में, उस तरीके का टेस्ट आता है। बट जल्दी मैं बाहर का कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे घर से बना हुआ ही अच्छा लगता है। सो मैं कोई भी चीज़ सोचती हूँ पहले घर पर बनाऊँ, और घर पर बनाती हूँ तो अब एकदम बाहर जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है। एटलीस्ट अनहेल्दी चीज़ों से, अनहाइजीनिक चीज़ों से थोड़ा हाइजीनिक और हेल्दी बनता है घर का चीज। तो इसको मैरिनेट करने के लिए बस मैंने यूज़ किया है दही और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने बेसन यूज़ किया है क्योंकि इसको छानना, इसको फ्राई करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो या सोलो फ्राई, या फिर इसको, हाँ अभी तो मैं डीप फ्राई ही करूँगी। तो यही है कि आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं। तो फिर बस बने रहिए आप लोग वीडियो में और देखिए कि मैं कैसे इसको प्रिपेयर करती हूँ और कैसा लगता है खाने में। सो ही एवरीवन, अब देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैं इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। तो वाओ, कितनी अच्छी स्मेल आती है जब ये फ्राई हो जाता है ना, तो इसको ऐसे ही खाने का मन करता है। मंचूरियन तो बाद में, वैसे ऐसे ही सोया चंक्स को ऐसे ही खाने का मन कर देता है। बेटा पैंट पहना दे, पैंट नहीं पहने भैया, पहन लीजिए पैंट। सो ये एवरीवन, अभी देख रहे हैं मैंने तेल रख दिया है, और चूंकि ये पेस्ट मैंने पहले से तैयार कर रखा है, इसमें लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर सब कुछ है, तो एक्स्ट्रा मेरे को टोमेटो सॉस नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि मंचूरियन मसाला है तो इसमें ऑलरेडी वैसा टेस्ट आ जाता है। कलर के लिए मैंने इसमें रेड लाल मिर्च भी डाल रखी है, और बाकी ये जो है अभी इसको पहले डालूंगी, उसके बाद ये डालूंगी, फिर ये तो प्रिपेयर है ऑलरेडी, मैंने पका के रखा हुआ है, तो इसको पहले उसके बाद डालेंगे, फिर ये डालेंगे, लास्ट में सोया चंक्स डालेंगे। आप देख सकते हैं एकदम सुनहरा भून के तैयार हुआ है सोया चंक्स, अच्छा लग रहा है खाने में। और ऐसे ही थोड़ा पकाना है अच्छे से, क्योंकि जब सब पूरा मसाला प्रिपेयर हो जाएगा तो बस इसको लास्ट में डालना रहता है। तो फ्रेंड्स, सो एवरीवन, हमारा तैयार हो गया है मंचूरियन। आज का थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा बना है क्योंकि मैंने मंचूरियन मसाला यूज़ किया है, उस दिन मैगी मसाला यूज़ किया था। सो रेडनेस भी थोड़ी कम है क्योंकि लाल मिर्ची बिल्कुल भी ना के बराबर यूज़ किया है मैंने। बाकी थिकनेस और टेस्ट तो अब टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। ओके एवरीवन, अब हम लोग खाने बैठ गए। मंचूरियन नहीं, चम्मच से छूएंगे बेटा। तो कैसा लग रहा है? रुको, खिलाएंगे आपको ना, आपको खिला दे सोना को मंचूरियन, खिला दे, बताइएगा कैसा लग रहा है। नहीं खाना है क्या? खाना है हाँ तो ले लीजिए, ले लीजिए। क्या खाना है उसमें से? प्याज खाना है, खा लो, खा लीजिए, खा लीजिए। कैसा लग रहा? अम्मी अम्मी या फिर बहुत टेस्टी सा बना हुआ है, क्यों हंस रहे हो? हमको तो अच्छा लगा, हम जैसे खाते हैं मेरे हिसाब से वैसे ही है। अब चाहो कि एकदम मसाला बाहर की तरह तो हम उतना स्पाइसी नहीं बना पाएंगे, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। आप लोग बताइए कि आप लोग मंचूरियन कैसे बनाते हैं, मंचूरियन मसाले के साथ या मैगी मसाले के साथ? अगर मैगी मसाला डाल रहे हो तो टोमेटो सॉस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो मैं तो मंचूरियन मसाले के साथ बनाई, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे
नॉर्मली छोटे मोटे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, कुछ कमेंट कर दिया करिए, ताकि पता चले आपको मेरे वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता है। तो अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लग रहा है? यम्मी यम्मी।